भागलपुर में लगातार डेंगू के डंक से लोग बीमार पड़ रहे हैं। अभी तक सरकारी अस्पतालों में लगभग 850 मरीज भर्ती हो चुके हैं। वहीं डेंगू से 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि अभी लगभग 150 लोग डेंगू से पीड़ित होकर सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं। एक तरफ जहां जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के साथ साथ डॉक्टर जल जमाव नहीं होने को लेकर आम लोगों को आगाह कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी क्षेत्र के वार्ड नंबर 49 और 50 की जनता काफी दिनों से जल जमाव की समस्या से परेशान है। वारसलीगंज रोड पर 2 महीने से अधिक समय से जल जमाव है, लेकिन आज तक नगर निगम की निगाह इस तरफ नहीं पड़ी। वहीं मोहल्ले में लगभग सभी घरों में डेंगू से लोग पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। वहीं मोहल्ले के लोग जल जमाव की समस्या और डेंगू से परेशानी के बाद अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं और नगर आयुक्त सहित मेयर के खिलाफ जमकर आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। वसुंधरा को एजुकेटेड है वो समझेगी, इस तरह के हालत में सीमा सामने और वसुंधरा में क्या अंतर है? क्या परेशानी हो रहा? परेशानी क्या नहीं है, यहाँ वीडियो बनाई है, देखिए कि क्या हाल है। बच्चा मेरा मर रहा है, अभी उतना पैसा लग गया है, बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा है। डेंगू हो गया है, बच्चा मेरा 15 दिन से बिछौना धरे हुआ है, कोई नहीं सुन रहा है, कौन सुनेगा? देखिए ना, सारा दिक्कत तो सामने है, सारा दिक्कत सामने है। नर्क बना हुआ है, ना नाली साफ ना कुछ, ये सब क्या है? इसीलिए हम लोग वोट दिए हैं, वोट तो दिए थे वसुंधरा को, यहाँ पार्षद में पंकज गुप्ता को। की सोची गए? सोच के दिए कि ये लोग अच्छा करेगा, एजुकेटेड है, ये है आदमी, बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल आदमी है, तो वो सुनेगी। लेकिन अंतर क्या रह गया सीमा सा और उसमें, कभी देखने भी नहीं आती है। एक बार उसको आना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए, नहीं समझ में आता औचक निरीक्षण करे वो। तो कोई यही है कि रोड नाला दोनों जाम है, कोई पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मेयर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ डेंगू का मरीज हो गया, हम लोग को परेशानी आने जाने में दिक्कत बहुत हो रहा है, और बच्चे लोग भी गिर पड़ रहे हैं, टोटो उलट गए थे परसों। कितना दिन से समस्या है ये? समस्या साल भर से ऊपर हो गया, ये समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है हम लोग के वार्ड में। 50 भी वही हाल है, 51 भी वही हाल है, 49 भी वही हाल है, सब वार्ड का वही हाल है। कितना परसेंटेज है इधर? कम से कम 100 में 90% वारसलीगंज में पेशेंट है डेंगू का मरीज है पेशेंट। क्या कर रहे हैं? अरे यही नाली खराब, पानी निकल रहा है रोड पर, जाने आने में दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, थोड़ा समस्या हो रहा है। पानी के जाम के कारण ही डेंगू का मरीज है यहाँ बहुत, आके आप लोग देख सकते हैं। दवा में खर्चा कर ली बाबा, बुखारे छूटे नहीं, इसलिए जाँच पाँच कब तक कर लिए। पानी जमा? हाँ पानी से देखो आगुम कतः से देख, मैला तेला सब आगे में जमा, कत्ता न रख में बुलते रहे बेटा। बोलो निगम में जाके बोले जिगने? आए कोई सुनवाई नहीं कर से निकला कर ले, कोई कोई सुनवाई नहीं करे से, सब रमन खराब हो गए बेटा, 5-6 हज़ार टका खर्चा कर ले, जांच उस सब का कर लिए। परेशानी हो रही है, थोड़ा थोड़ा भर पानी भी हो जाए छे, लाली साहब अपने करे लावे छे को ऑटो सा, न मियर भी देखे लावे छे, बगल अगर में डेंगू भी हो गलो छे, बहुत परेशानी समस्यानी लाली, अपने से भी साफ करे पड़ी जाए छे, फिर भी पानी एकदम पूरा रहे छे, कभी न साफ करे लावे छे। कितना देर से परेशानी छे? तैयो साल भर से हो गलो छे, कोई सुने नहीं रही, कोई सुनवाई नहीं, कोई कहे मियर जितते तई तो साफ हो जते, यहू तो यहू ओने करी जाए छे, इमेज आरु खत्म हो गलो छे। पंकजो गुप्ता ने समझे बुझे छे, नहीं 49 नहीं 50 नहीं 51 सब मिलाए दला छे के में। परेशानी ही है इधर से, कोई आदमी कोई बच्चा स्कूल जाने वाला डेली गिरता है, 24 घंटा जाम रहता है ये रोड, और पानी रोड नाला का पानी पूरा रोड पर आ जाता है, इसमें पार्षद क्या करे, पब्लिक क्या करे, इसमें सरासर दोष नगर आयुक्त महोदय का है जो कि कभी नहीं आते हैं इस समाज में, मेयर का भी इसमें दोष है। अभी हम लोग का मूर्ति विसर्जन दुर्गा पूजा का यही रूट है, हम किधर से जाएंगे मूर्ति लेके? डेंगू का पेशेंट कितना है इधर? डेंगू सिर्फ डेंगू का ही पेशेंट भरा हुआ है। क्या? गंदगी, पानी जमा नाला का पानी में खाली कीटाणु है, पूरे शहर का पानी इधर है, पूरा शहर का पानी का बहाव इधर ही है। कितना दिन से समस्या आई? ये 3 पीढ़ी के लोग गुजर गए, कोई सुन रहा अभी तक इसी तरह चल रहा है।
यहाँ पे परेशानी का अंबार लगा हुआ है, परेशानी नहीं है इसको कह सकते हैं। आज तक दक्षिणी खंड को सब कोई ठगा है और आज भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग वार्ड पार्षद हो के अपने जनता का कोई भी दुख तकलीफ दूर नहीं कर सक रहे हैं। जब से आउटसोर्सिंग कंपनी आई है तब से जब नाला का उड़ाई कराते हैं ट्रैक्टर नहीं मिलता, दो महीने पे एक ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, नाला का सील्ड फिर बारिश के कारण अंदर चल जा रहा है। आज स्थिति देख लीजिए, यहाँ डेंगू का पूरा जोन बना हुआ है मेरा 50 नंबर वार्ड। कारण क्या है? पानी का जल जमाव। आप वारसलीगंज रोड देख लीजिए, आप पंचमुखी रोड देख लीजिए, आप बबरगंज रोड देख लीजिए, कुतुबगंज देख लीजिए, कोयली रोड, इतनी भयावह स्थिति है। लेकिन प्रशासन, जिला प्रशासन भी इस पर कोई सुनवाई नहीं ले रही है। हमारे वार्ड में 5-5 अभी दुर्गा स्थान है, किस स्थान से अब कैसे विसर्जन होगा? इस नाले के पानी में लोग विसर्जन करेंगे? कोई चिंता नहीं है इसके लिए। शिकायत किया इसको नगर आयुक्त को? हमने बहुत बार लिखित शिकायत किया है, अपने जनरल बोर्ड की मीटिंग में रखा है, इस बात को महापौर महोदया को दिया है, नगर आयुक्त को दिया है, DM साहब के संज्ञान में इस आवेदन को दिया गया है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। डेंगू का इतना महाप्रकोप है, फॉगिंग आता है, फॉगिंग करने 10 लीटर डीजल लेके एक गली नहीं पूरा हो पाता है। पूरे दक्षिणी खंड का सबसे बड़ा वार्ड वार्ड नंबर 50 है। यहाँ पे 3205 होल्डिंग संख्या है, घर की संख्या 3205 है, जिससे नगर निगम टैक्स वसूलते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। एक कचरे का डब्बा अभी तक नहीं है वार्ड नंबर 50 में। स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। आखिर हम लोग करें तो करें क्या? अब पब्लिक वार्ड पार्षद को सिर्फ मारा नहीं है, गाली तो दे ही रहा है, गाली हम लोग सुन ही रहे हैं। अब मार खाना बचा है, अगर जिला प्रशासन को वही है तो हम लोग डेली अब मार खाएंगे, अब बचा क्या है? वसुंधरा को एजुकेटेड है वो समझेगी, इस तरह के हालत में सीमा सामने और वसुंधरा में क्या अंतर है? क्या परेशानी है? परेशानी क्या नहीं है, यहाँ वीडियो बनाई है, देखिए कि क्या हाल है। बच्चा मेरा मर रहा है, अभी उतना पैसा लग गया है, बच्चा मेरा ठीक नहीं हो रहा है। डेंगू हो गया है, बच्चा मेरा 15 दिन से बिछौना धरे हुआ है, कोई नहीं सुन रहा है, कौन सुनेगा? देखिए ना, सारा दिक्कत तो सामने है, सारा दिक्कत सामने है। नर्क बना हुआ है, ना नाली साफ ना कुछ, ये सब क्या है? इसीलिए हम लोग वोट दिए हैं, वोट तो दिए थे वसुंधरा को, यहाँ पार्षद में पंकज गुप्ता को। की सोचिए? सोच के दिए कि ये लोग अच्छा करेगा, एजुकेटेड है, ये है, आदमी बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, प्रोफेशनल आदमी है, तो वो सुनेगी। लेकिन अंतर क्या रह गया सीमा सा और उसमें? कभी देखने भी नहीं आती है, एक बार उसको आना चाहिए, वेरिफिकेशन करना चाहिए, नहीं समझ में आता है औचक निरीक्षण करे। वो तो यही है कि रोड नाला दोनों जाम है, कोई पार्षद ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई मेयर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ डेंगू का मरीज हो गया, हम लोग को परेशानी आने जाने में दिक्कत बहुत हो रहा है, और बच्चे लोग भी गिर पड़ रहे हैं, टोटो उलट गए थे परसों। कितना दिन से समस्या है ये? समस्या साल भर से ऊपर हो गया, ये समस्या का हल अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग के वार्ड में 50 भी वही हाल है, 51 भी वही हाल है, 49 भी वही हाल है, सब वार्ड का वही हाल है। कितना पेशेंट है इधर? कम से कम 100 में 90% वारसलीगंज में पेशेंट है डेंगू का मरीज है पेशेंट। क्या कारण है? अरे यही नाली खराब, पानी निकल रहा है रोड पर, जाने आने में दिक्कत हो रहा है पब्लिक को, थोड़ा समस्या हो रहा है, पानी के जाम के कारण ही डेंगू का मरीज है यहाँ बहुत। आके आप लोग देख सकते हैं।